देश भर में शिवरात्रि मनाने के अनेकों तस्वीर जो हैं देखने को मिली हैं, सामने आ रही हैं। वहीं कुछ अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली, जिनमें से एक है महाराजगंज के गांव धानी में स्थित कांचेश्वर शिव मंदिर, जहां पड़ोसी देश नेपाल के श्रद्धालु भी दर्शन के लिए कतारों में लगे नजर आते हैं। देश भर में बड़ी ही आस्था के साथ शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। शिव की महिमा और शिव की आस्था देश भर में कई अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। शिवरात्रि की तैयारियां महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। कहीं मंदिरों में सजावट तो कहीं सड़कों पर पंडाल, और कहीं पुराने मंदिरों के बाहर किलोमीटरों में फैले मेले और कांवड़ियों का तांता सभी को शिवरात्रि को असली रंग में सराबोर कर देता है। वैसे तो शहरों में शिवरात्रि की परिभाषा बदल चुकी है, लेकिन गांव में शिवरात्रि हो या कोई भी और त्योहार, उसके असली रंग दिखाई पड़ ही जाते हैं। ये तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही शिवरात्रि की हैं, जहां पूरा गांव शिवरात्रि मंदिर के बाहर लगे मेले में मनाता है। जिला महाराजगंज के गांव धानी बाजार के सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगभग इसी तरह से नजर आई। लेकिन इस गांव की शिवरात्रि की सबसे खास बात ये कि प्रमुख शिव मंदिर कांकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के दिन को विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि का महापर्व इस छोटे में इतना खास होता है कि पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। दरअसल भारत नेपाल सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी पर धानी का कांकेश्वर मंदिर स्थित है, और भारत के साथ साथ नेपाल में भी कांकेश्वर शिव मंदिर मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर माना जाता है। और हर साल की तरह यहां पर भी आज सुबह से ही भक्त जुटने शुरू हो गए। साथ ही शिव को जलाभिषेक कर सभी श्रद्धालुओं ने बताया कि भक्तों का धानी शिव में आस्था और विश्वास देख भोले उनकी मुरादें पूरी करने में तनिक नहीं हिचकिचाएंगे। बड़ी है, हम लोग जब से आए इस क्षेत्र में सभी की आस्था का केंद्र रहा है कांचेश्वरनाथ मंदिर, और यहाँ पे हजारों हजार श्रद्धालु हर वर्ष आते रहते हैं, और यहाँ महाशिवरात्रि के दिन मेला भी लगता है। बहुत पावन मंदिर है, यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और हम लोग हर साल आते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने भी बताया कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग 1865 से यहां स्वयं भू हुई थी। मेरा नाम पंडित अगस्त मिश्र है, मैं यहां का पुजारी हूं, और ये भगवान कांकेश्वर का नाम है, और इनका स्थापना समझिए कि ये स्वयं भूलिंग है। 1865 से निकले हुए हैं और तब से ही इनका नाम ही कांकेश्वरनाथ है, और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए इनका नाम कांकेश्वरनाथ पड़ा हुआ है। और यहाँ नेपाल से लेकर के गोरखपुर से पश्चिम और सिद्धार्थनगर जिला के अंदर जितने भी लोग हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं और अपनी अपनी कामनाओं को लेकर आते हैं, सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। हर साल मंदिर के बाहर मेले का भी आयोजन इसी धूमधाम से किया जाता है। यूपी बिहार से लेकर पड़ोसी देश नेपाल तक के लोगों की आस्था का केंद्र बना कांकेश्वर मंदिर शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं से यूं ही जगमग हो उठता है। जिला प्रशासन की ओर से भी शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की देखरेख और सहयोग के लिए कई इंतजाम किए गए, जिसमें शिव दर्शन से लेकर मेले की हर गतिविधि पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। पुलिस बल के साथ अधिकारी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।